जहां इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई पानी का संकट नहीं टलने से किसानों में रोष व्याप्त है। इस दौरान 6 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बीच हुए समझौते की पालना अभी तक नहीं हो सकी है। अभियंताओं की माने तो इस बार बीबीएमबी को प्रस्ताव भेजकर चेयरमैन से काफी विचार विमर्श किया गया, लेकिन पंजाब व हरियाणा की ओर से भी इस समय अधिक पानी का डिमांड करने के कारण बीबीएमबी स्तर पर शेयर में बदलाव नहीं किया गया। इस तरह 10 अक्टूबर को पूर्व के रेगुलेशन के अनुसार ही अनूपगढ़ शाखा में पानी प्रवाहित किया गया। इस कारण किसानों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि घरसाना आंदोलन के दौरान 6 अक्टूबर को इंदिरा गांधी नहर में 4 में एक समूह का पहला रोटेशन पूरा होने पर आगे की 3 बारियां 3 में एक समूह में चलाने पर सहमति बनी थी। 4 सिंचाई बारी देने के बाद अग्रिम बारी के संबंध में निर्णय दिसंबर व जनवरी माह में बेहतर इनफ्लो से डैम में उपलब्ध पानी के अनुसार जल परामर्श परमादात्री समिति की परामर्श उपरांत लेने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर का वर्तमान रेगुलेशन जो 4 में एक समूह में चल रहा है उसके ग्रुप तथा स उदा को मर्ज करने के लिए हरी के बैराज पर 10 अक्टूबर को पानी की मात्रा बढ़ानी है, लेकिन अभी तक इस बारे में किसी तरह का ठोस आश्वासन बीबीएमबी की तरफ से नहीं मिल पाने के कारण समझौते की पालना नहीं हो पाई है।